हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है कुंवर चौहान और स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर, पेट केयर होम पर। दोस्तों, आज का टॉपिक ये है कि आप अपने डॉग को कैसे एग्रेसिव कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कई लोग ये कहते हैं कि सर, कभी हमारा डॉग कोई भी हमारे घर पर आता है तो उसे कुछ बोलता नहीं है, और कई बार अक्सर ये होता है कि चोर चोरी करके ले जाते हैं, फिर भी डॉग शांत बैठे रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा डॉग बहुत ही सीधा है, भोला है, कोई भी आता है उसे कुछ बोलता नहीं है, कोई भी गेट खोल के अंदर कुछ चला आता है, तो इसके कारण वो परेशान रहते हैं कि भाई हमारा डॉग बोलता क्यों नहीं है, किसी को कुछ भौंकता क्यों नहीं है। तो दोस्तों, आज हम इसी विषय पे बात करेंगे कि आप अपने डॉग को एग्रेसिव कैसे कर सकते हैं। डॉग का पपी लेके आ रहे हैं कहीं से भी, तो आपको हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आपका डॉग जो आप लेके आ रहे हैं वो 45 दिन का होना चाहिए। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि अगर आप उसके पहले ले आएंगे तो आपको प्रॉब्लमें बहुत होगी और आपका डॉग भी एग्रेसिव नहीं होगा। तो दोस्तों, मैं आपको क्लियर करता हूँ कि आप 45 दिन के बाद ही डॉग कैसे लेके आ सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला रीज़न ये है कि कभी भी अगर डॉग पैदा होता है तो उसको 45 दिन तक उसकी माँ के पास ही रहने दीजिए, क्योंकि माँ से उसे जो गुण मिलेंगे, नेचर जो मिलेगा उसका, जैसे वो है वैसा उसका नेचर रहेगा, तभी आपका डॉग भी एग्रेसिव हो पाएगा। तो दोस्तों, दूसरा रीज़न क्या है, जैसे कि आप डॉग को लेके आ रहे हैं तो उसे ज़्यादा लोगों से मिलाएं जुलाएं, क्योंकि इससे भी फर्क पड़ता है, क्योंकि फिर आपका डॉग तो हर किसी को जानने लगेगा तो किसको भूलेगा, बोलेगा सभी को तो मैं जानता हूँ। तो दोस्तों, आपको हमेशा एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आप कभी भी डॉग लेके आ रहे हैं तो उसे कम से कम लोगों को मिलवाएं और अपने ज़्यादातर फैमिली वालों से ही मिलने दें। इसमें आपका डॉग बहुत अच्छा और प्रोटेक्टिव भी रहेगा और समझदारी से काम भी लेगा। और तीसरा रीज़न दोस्तों ये रहता है कि अगर आप अगर अपने डॉग को एग्रेसिव बनाना चाहते हैं तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको करनी पड़ेगी। जैसे कि अगर आप डॉग को थोड़ा बहुत ट्रेन करना चाहते हैं अपने घर में और उसे एग्रेसिव बनाना चाहते हैं, तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि कभी भी अगर आप डॉग को ट्रेनिंग देना चाहते हैं तो 10-15 मिनट का समय जरूर निकालें। उससे आपका एक फ़ायदा ये होगा कि आपका डॉग एग्रेसिव भी होगा और आपकी कमांड भी सुनेगा। तो दोस्तों, क्या करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक ही चीज़ करनी है कि कभी भी अगर आप डॉग को अगर बोलते हैं हुश, मतलब काफ़ी प्रकार होते हैं हुश, छू और अटैक, तो ऐसे कुछ वर्ड हैं जो आप लोग अपनी लैंग्वेज में बोल सकते हैं और वो आपकी कमांड सुनेगा। तो जैसे ही वो उस कमांड को फॉलो करता है तो आप उसे उसकी फेवरेट चीज़ खिलाइए, जैसे कि बिस्किट हो गया, डॉग बिस्किट जो आते हैं, नॉर्मल ह्यूमन वाले बिस्किट मत दीजिएगा, उससे उनके बाल झड़ते हैं और प्रॉब्लम भी बहुत आती है। तो दोस्तों, आप लोग को ऐसी कुछ रिक्वायरमेंट है जो लेकर चलना पड़ेगा। तो दोस्तों, आई होप आप समझ गए होंगे कि मैंने क्या क्या आपको बताया, और जो पहले ही से आपके अंदर डॉग है तो आप उनको तेज करने के लिए थोड़ी तो परेशानी होगी, लेकिन वो भी हो जाएंगे, लेकिन ये है कि आपको उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा और समय भी बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा। अगर जब तक आप समय नहीं देंगे तो आपके जो बड़े डॉग हैं वो भी एग्रेसिव नहीं हो पाएंगे। तो दोस्तों, उनको एग्रेसिव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको उनको घुमाना पड़ेगा 15-20 मिनट तक, अपने आप को उनको समझाना पड़ेगा, उनको आपको समझना पड़ेगा, तभी आप उनको एग्रेसिव बना सकते हैं। तो दोस्तों, कैसे करना है मैं बताता हूँ। कभी भी आप अगर डॉग को घुमाने जा रहे हैं और रास्ते में कोई भी आवारा डॉग या भैंस या गाय कोई भी दिख रहे हैं तो थोड़ा सा आपसे हिंट दीजिए, जैसे कि मैं अपने डॉग को लेके जाता हूँ तो मैं बोलता हूँ थैनोस हुश, तो थैनोस हुश करता है, तो हुश अपने जेब में बिस्किट डाले देंगे, और तो जैसे वो हुश करेगा तो आपको उसको एक बिस्किट देना और उसके सर पे हाथ फेरना है। आपको इतनी चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे वो हुश बोलेंगे और वो भौंकेगा तो आपको उसको एक बिस्किट देना है। फिर उसके बाद दूसरे दिन भी यही करना है। जब जब आप ऐसा करने लगोगे तो वो धीरे धीरे सीखता चला जाएगा, स्टेप बाय स्टेप जो जो आपको उसको सिखाना है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप उसे फेवरेट ही देंगे तभी वो कुछ कर पाएगा, नहीं तो अन्यथा ना कर पाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।